हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितने टाइप के रूट यूज करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूँ। एक्चुअल में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोस्तों हम लोग तीन टाइप के रूट यूज करते हैं। सबसे पहला रूट होता है, वो होता है रूट पार्टीशन। दोस्तों, रूट पार्टीशन जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम पार्टीशन होता है, जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सी ड्राइव के अंदर जाकर सेव होती है। दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम पार्टीशन होता है वो होता है सी ड्राइव, जिसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन सेव होती है। इसी तरह जब हम लोग कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो रूट पार्टीशन के अंदर जाकर सेव होती है, और रूट पार्टीशन जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रूट पार्टीशन जो होता है वो सिस्टम पार्टीशन होता है, जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी कॉन्फिग्रेशन फाइल सेव होती है। तो फर्स्ट होता है रूट पार्टीशन। सेकंड हम लोग यूज करते हैं रूट यूजर। दोस्तों, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ में शेयर करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है। दोस्तों, इसी तरह जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी एक रूट नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है, रूट यूजर, जिसे दोस्तों हम लोग सुपर यूजर के नाम से भी जानते हैं, जिसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है। दोस्तों, इसी तरह होता है रूट पार्टीशन के अंदर एक रूट नाम की डायरेक्टरी भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। दोस्तों, रूट पार्टीशन के अंदर जो रूट नाम की डायरेक्टरी होती है वो सुपर यूजर यानी कि रूट यूजर की ही होम डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर सुपर यूजर की कंप्लीट प्रोफाइल सेव होती है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सभी यूजर्स की प्रोफाइल जो है वो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर जाकर सेव होती है, इसी तरह सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी जो होती है या प्रोफाइल जो होती है वो रूट पार्टीशन के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर जाकर सेव होती है। तो दोस्तों, ये हम लोग तीन टाइप के रूट यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। पहला होता है रूट पार्टीशन, सेकंड होता है रूट यूजर जिसे हम लोग सुपर यूजर के नाम से भी जानते हैं, एक होता है रूट पार्टीशन के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी जो कि सुपर यूजर की कंप्लीट प्रोफाइल सेव करती है, जिसे हम लोग सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग आगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे।